वेलकम, आपका स्वागत है। आज मैं आपको सरदर्द का मानसिक कनेक्शन, उसके बारे में बताने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर, मनोविकार सेक्स रोग संबंध तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, पुणे, नागपुर, बॉम्बे यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है जहाँ मनोविकार मनोरुग्ण जो है उनको, व्यसनी लोगों को हम भर्ती करते हैं, उनका इलाज हम करते रहते हैं। काफ़ी सारे लोगों को सरदर्द होता है। वो सरदर्द एक तो पूरा सरदर्द होता है या उनको आधा सरदर्द होता है, माइग्रेन जैसा, माइग्रेन बोलते हैं उसको, या माइग्रेन जैसा होता है। और उसका फिर लोग इलाज करते रहते हैं, सरदर्द के लिए घूमते रहते हैं, बड़े बड़े फाइल लेके लोग घूमते हैं, उसका सीटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, ईईजी करवा लेते हैं, और क्या क्या नहीं करते, अंदर कुछ भी नहीं मिलता, ब्रेन में सब नॉर्मल है और तभी भी सरदर्द है। फिर लोग फिजिशियन के पास में जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने से सरदर्द आ सकता है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, उससे भी सरदर्द, तभी भी सरदर्द तो कायम ही है। माइग्रेन, माइग्रेन जैसा भी लगता नहीं है, सरदर्द आ रहा है। अच्छा, लोग बोलते फिर दिखता नहीं होगा, उसकी वजह सरदर्द होगा। नहीं, दिखता भी ठीक है, उसका क्यों कोई प्रॉब्लम, तभी सरदर्द है। बोलते नहीं, नहीं साइनस में कोई प्रॉब्लम होगा, साइनस में इन्फ्लेमेशन, साइनस मतलब ये जो है ना, यहाँ मैक्सिलरी साइनस, यहाँ सर्दी होंगी और सर्दी यहाँ भी होंगी, फ्रंटल साइनस में यहाँ भी सर्दी होंगी, इसकी वजह सरदर्द आपको होगा। ऐसे लोग घूमते रहते हैं, सब तरह जाते रहते हैं, उनको प्रॉब्लम होता है सरदर्द का, उसका कनेक्शन रहता है मानसिक, दिमाग के ऊपर टेंशन से, स्ट्रेस आने से लोगों को सरदर्द होते रहता है। क्या होता है कि मन चाहत काम नहीं है, काम में बहुत तनाव है, टारगेट्स है ना, गोल सेट किए हुए, वो अचीव करना है, भागा दौड़ी है, और उसमें मन के खिलाफ काम करना पड़ता है कुछ कुछ। इतना तनावपूर्ण वातावरण में लोग काम करते हैं कि ये जो पूरी जो मसल्स है, स्काल्प मसल्स मतलब चमड़ी के नीचे जो भी मसल्स है, वो पूरी ऐसी तनाव में आ जाती है, उससे सरदर्द होते रहता है। और फिर लोग इलाज करते रहते हैं, बड़े बड़े इंजेक्शन लेंगे, उसके प्रॉब्लम भी ऐसे होते हैं कि इंजेक्शन लेंगे, दवाई लेंगे, उसकी लत लग जाती, अब सरदर्द ना होने के लिए वो अभी गोली खाना पड़ते रहता है, क्योंकि अभी वो सरदर्द होगा करके। सरदर्द से लोगों को नींद भी नहीं आती, रात को नींद नहीं होती, दूसरे दिन फ्रेश नहीं होते, फ्रेश नहीं है फिर सरदर्द चालू हो जाएगा और फिर दिन भर तकलीफ। ये जो टेंशन हेडेक है ना, ये टेंशन हेडेक सवेरे बिल्कुल रहता नहीं है, जब अच्छी नींद हो जाती है सवेरे एकदम फ्रेश, और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएगा, जैसा जैसा सूरज ऊपर जाते जाएगा, वैसा वैसा इनका टेंशन बढ़ते जाता है और शाम तक काफ़ी सारा टेंशन आती रहता है। तो ये जो टेंशन है, इच्छा के विरुद्ध, इच्छा के खिलाफ काम करते रहते हैं, फिर पैसे का टेंशन होगा, पति पत्नी का नहीं पट्टा होगा, बच्चों का कोई प्रॉब्लम होगा उसका टेंशन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रॉब्लम है उसका कोई टेंशन है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है उसका टेंशन है, या फिर कुछ आगे करने लायक है नहीं ज़िंदगी में उसका टेंशन है, ज़िंदगी में लाइफ में नाराज़गी है, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम रहने से फिर टेंशन हेडेक होते रहता है। वो जाएंगे न्यूरोलॉजिस्ट के पास में कि भाई ब्रेन का प्रॉब्लम है, आँखों के डॉक्टर के पास में जाएंगे, कान ना गले के डॉक्टर के पास में जाएंगे, तो सब तरफ घूम फिर के लोग फिर आखिरी हमारे पास में आते साइकियाट्रिस्ट के तरफ कि देखो कोई मन का प्रॉब्लम है। वो भी आने को लोग तैयार रहते नहीं क्योंकि उनको लगता है साइकियाट्रिस्ट के पास में गए मतलब क्या पागल है, हमको वहाँ क्यों भेज रहे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, टेंशन हेडेक इज ड्यू टू टेंशन, स्ट्रेस, उसको नाम ही टेंशन हेडेक है। तो उसमें फिर हमको दवाई देते हैं टेंशन कम करने की, नंबर एक, जो दवाई से टेंशन कम होगा, मगर वो टेम्पररी है, उसको ज़रूरत है काउंसिलिंग की, उसको ज़रूरत है हिप्नोटाइज करके, सेल्फ हिप्नोटाइज करके उसको रिलैक्सेशन देने की, उसको ज़रूरत है कि उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स को वो पावरफुली कैसा डील कर सके, वो प्रॉब्लम को कैसा फेस कर सके, जो भी लाइफ के प्रॉब्लम है वो काउंसिलिंग करने की, वो गाइडेंस करने की, वो कोचिंग करने की, तो वो हम करते रहते हैं। और वो करने से कुछ 4-5-6 सेशन होते रहते हैं और उसके बाद में वो ठीक होना चालू हो जाता है। टेंशन हेडेक से प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, मतलब सरदर्द हो रहा है, हो सकता है वो माइग्रेन भी हो, माइग्रेन भी साइकोसोमेटिक है, मतलब टेंशन की वजह से माइग्रेन के अटैक आते रहते हैं, आधा सरदर्द दुखता है और उसमें प्रॉब्लम होते रहता है। तो माइग्रेन रहो या बाकी टेंशन हेडेक भी रहो, उसका इलाज जो है
वो दवाई यहाँ टेम्पररी और बाद में फिर उसका इलाज साइकोलॉजिकल। कितने सारे लोग माइग्रेन के हैं कि जिनको हम साइकोथेरेपी देते हैं, काउंसलिंग करते हैं और उनका माइग्रेन हरदम के लिए निकल जाता है, हरदम के लिए निकल जाता है। तो ज़रूर आप ये वीडियो लोगों को शेयर करो। आपके संपर्क में काफ़ी सारे लोग हैं जिनको माइग्रेन है, हेडेक है, थकान है, दिमाग कैसा कैसा करने लगता है, कन्फ्यूजन है और जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते, उनको ये शेयर करो। आपके फेसबुक के ग्रुप के ऊपर वीडियो ये शेयर करो, व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर शेयर करो। आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन जो आता है उसके ऊपर क्लिक करो ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहली बार आ जाएंगी। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।